Hello students, today I will teach you chapter 6 Boolean algebra and a logic gate. Students, इस chapter को start करने से पहले हम थोड़ा सा उसके बारे में introduction के बारे में जानेंगे और introduction से जानने से पहले चलते हैं हम next page पे और इस session को पहले start करते हैं. Now we will start this session and go to our next page and next slide. Students, our today first topic is the introduction. तो अब हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की. स्टूडेंट्स, ये जो हम बुलियन अलजेब्रा पढ़ रहे हैं इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई और आखिर इसे की इसका इसे क्यों किया गया इसका यूज. तो ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग क्या कर रहे हो, कंप्यूटर पढ़ते ही हो आप. कंप्यूटर में क्या होता है कि हमेशा जो आपकी जो कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, मशीनी लैंग्वेज समझता है. इसमें जो मशीनी लैंग्वेज होती है वो कौन सी होती है, बाइनरी के फॉर्म में होती है, 0 एंड 1. ठीक है, सेम उसी में यहाँ पे भी है, उसे हम मतलब इसे मैथमेटिकल फॉर्म में दिखाया गया है यहाँ पर. तो इसमें होता क्या है, देखिए इसमें क्या होता है कि कई सारे मैथमेटिशियंस एंड साइंटिस्ट थे, उन्होंने कई सालों मतलब कि 100 वर्षों तक इसको क्या रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद जिसे अगर अगर हम सपोज अगर हम उन्होंने क्या किया कि एक मैथमेटिक्स लॉजिक लगाया. ठीक है, तो उस समय के साइंटिस्ट का नाम था जॉर्ज बुलेन, जो उन्होंने क्या किया कि इस मैथमेटिक्स एंड जो हमारी जो लॉजिक थे इन दोनों के बीच में उन्होंने 1854 में उन्होंने मतलब कि एक ऐसा लॉजिक लगाया कि जो भी मैथमेटिकल्स एंड जो लॉजिकल थे उनके बीच कॉम्बिनेशन रिसर्च किया. ठीक है, रिसर्च करने के बाद उन्होंने एक ऐसी सिंबोलिक, एक तरह से उसका नाम था सिंबोलिक लॉजिक, उन्होंने निकाला कि जिसमें कि उन्होंने जैसे कि जिसके थ्रू हम मैथमेटिक्स एक ऐसी लॉजिकल प्रॉब्लम को हम मैथमेटिकल्स जो भी मैथमेटिकल्स हैं उनको हम लॉजिकल प्रॉब्लम के थ्रू हम आसानी से हम मैथमेटिक्स के फॉर्म में हम सॉल्व कर सकें. मीन्स सिंपल था, ये था कहने का मतलब कि उन्होंने एक ऐसी लॉजिक लगाया मीन्स इस बुलियन अलजेब्रा में कि दो लॉजिको मतलब कि जो भी लॉजिक लगा रहे थे उनके जो भी लॉजिकल हमारी परफॉर्मेंस जैसे 0 एंड 1 ये क्या है, हमारा लॉजिकल परफॉर्मेंस है जो कि हमारा सिस्टम समझता है. तो उसी लॉजिक को उन्होंने एक मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया और इन दोनों को क्या किया आपस में लॉजिकल परफॉर्मेंस एंड मैथमेटिकल परफॉर्मेंस को आपस में कंबाइन किया. कंबाइन करने के बाद उन्होंने एक ऐसा मीन्स जिसे कि मतलब एक ऐसा चीज डेवलप किया जिसे हम बुलियन अलजेब्रा के नाम से हम जानते हैं. ओके स्टूडेंट, जो कि आज हम पढ़ेंगे बुलियन अलजेब्रा होता क्या है. ओके, तो क्या इन्होंने क्या क्या मैंने बताया भी आपको कि मैथमेटिकल परफॉर्मेंस एंड लॉजिकल परफॉर्मेंस कंबाइन करके उन्होंने बुलियन अलजेब्रा का डिस्कवर किया. ओके स्टूडेंट, फिर जैसे जैसे इस ईयर बीतते गए लगभग आप मान लीजिए 1938 में तो एक और आपके साइंटिस्ट थे क्लाउड सैनन क्या थे, उन्होंने क्या किया इससे और भी चेंजेस किए इसमें और कई सारे इसमें मतलब कि डेवलप करते हुए चेंजेस करते हुए उन्होंने क्या किया कि कई सारे प्रैक्टिकल किए जिसमें इन्होंने क्या दिखा कि जो भी हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन होते थे उसमें जो भी सिग्नल डाइवर्जन हो रहे हैं. ठीक है, तो उसमें जो भी जो क्या सर्किटें फॉर्म में होती थी जैसे कि वो क्या जो सर्किट चलती थी हमारी वो किस सिग्नल सिग्नल किस फॉर्म में होते थे, ऑन और ऑफ के फॉर्म में. ठीक है, जैसे कि मैं आप लोग पहले जानते हो जो भी सर्किटें चलती हैं हमेशा ऑन एंड ऑफ के फॉर्म में होती हैं. ओके, तो उसी को इन्होंने क्या किया कि एक उन्होंने इस बुलियन अलजेब्रा को नाम दिया था स्विचिंग अलजेब्रा. ठीक है, जैसे कि स्विच इसमें क्या हो रहा है ऑन और ऑफ हम करते हैं स्विच को, तो सेम काम जो सर्किट में क्या होता था ऑन और ऑफ का ही होता था लॉजिक लगता था, तो उन्होंने इसलिए इस बुलियन अलजेब्रा को नाम स्विचिंग अलजेब्रा दे दिया. ओके फ्रेंड, फिर इस जो बुलियन अलजेब्रा था बुलियन अलजेब्रा में हमेशा ट्रुथ टेबल का प्रयोग किया था. ये ट्रुथ टेबल होता क्या है स्टूडेंट, तो इसके बारे में थोड़ा हम बता दे रहे हैं. एक ट्रुथ टेबल होता क्या है आपका, एक टेबुलर फॉर्म होता है जिसमें कि जो भी हम मतलब जो भी हम इनपुट देते हैं उसकी प्रोसेसिंग होती है और प्रोसेस होने के बाद उसकी हमारे आउटपुट मिलता है. ठीक है स्टूडेंट, मीन्स ये ऐसा ट्रुथ टेबल होता है, एक टेबुलर फॉर्म होता है जिसमें हम कोई भी चीज वैल्यू जो भी लॉजिकल वैल्यू हम इनपुट कर रहे हैं उसकी प्रोसेसिंग होती थी एंड फिर प्रोसेसिंग होने के बाद आउटपुट मिलता है. आपका सिस्टम भी यही सेम होता है प्रोसेस, आप क्या करते हो कोई भी इन्फॉर्मेशन या इनपुट करते हो उसकी प्रोसेसिंग होती है पहले फिर उसके बाद आपका आउटपुट मिलता है. क्वेश्चन, फिर अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की वैल्यू की कि हमारा है क्या बाइनरी वैल्यूड क्वांटिटीज. मीन बाइनरी वैल्यूड क्वांटिटीज क्या होता है, जैसे स्टूडेंट की सपोज अगर हम जैसे कहते हैं कि एक तरह से क्वेश्चन करना है. ठीक है ना, कि जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो भी आपकी प्रोसेसिंग हो रही है सिस्टम में मीन जो भी आप बुलियन अलजेब्रा में क्या कर रहे हैं लॉजिकल परफॉर्मेंस करते हैं, ये क्या होता है एक लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है आपका. तो सेम काम आपका यहाँ पे जैसे क्या होता है इसमें क्वांटिटीज क्या होता है, जैसे जो भी हम इनपुट दे रहे हैं सपोज मान ली कोई क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन आपका क्या होगा यस और नो में आपको रिप्लाई मिलना है.
ठीक है, तो बूलियन अलजेब्रा मैंने आपको बताया कि दो ही काम होगा आपको, यस और नो, या फिर ऑन और ऑफ, अगर कोई भी बात कर सकते हो। ठीक है, तो क्वांटिटीज में क्या होता है, बूलियन वैल्यूज कंट्रीज मीन्स जो भी हम वैल्यू दे रहे हैं उसका, तो या तो उसको आंसर मिलेगा या तो फिर आंसर नहीं मिलेगा। ओके स्टूडेंट, ये आपका था। फिर हम बात करते हैं बूलियन वेरिएबल की। तो बूलियन वेरिएबल क्या होता है, जैसा कि स्टूडेंट मैंने आपको पहले बताया कि आप जो भी वैल्यू स्टोर करते हो, मीन्स स्टोर कर रहे हो, या फिर जो भी आप वैल्यू इनपुट कर रहे हो, इसमें क्या होता है कि मैंने आपको बताया कि आप वैल्यू, आप बुलियन वैल्यू में मैंने कहा कि आपको 0 एंड 1 के फॉर्म में आपको वैल्यू इंटर करनी है, और उसका जो प्रोसेसिंग होगा फिर आपको आउटपुट मिलेगा। ओके, अगर हम सिंपल सी बात करें बुलियन वैल्यू क्या होती है, मीन्स वैल्यू, अगर वेरिएबल की बात करते हैं, तो अब बुलियन वेरिएबल इज अ सिमिलर टू एनी वेरिएबल्स यूज इन अलजेब्रा, मीन्स या एक ऐसी वैल्यू होती है जो कि आपकी अलजेब्रा में यूज की जाती है, बुलियन वैल्यू। स्टूडेंट, फिर इसके हम बता इसमें फिर नेक्स्ट टॉपिक की हम अगर बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि बुलियन अलजेब्रा क्या करते हैं, कई तरह से लॉजिकल ऑपरेशन को डील करते हैं, और वो ऑपरेटर्स होते क्या क्या हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। आपके ऑपरेटर्स 3 टाइप के होते हैं स्टूडेंट, आप यहाँ देख सकते हो। आपका पहला ऑपरेटर क्या है, लॉजिकल नॉट, एंड सेकेंड क्या है, लॉजिकल ऑर, एंड थर्ड क्या आपका, लॉजिकल एंड। ओके स्टूडेंट, तो अगर हम बात करते हैं लॉजिकल नॉट की, लॉजिकल नॉट होता क्या है स्टूडेंट, तो इसे हम आपको दिखाएंगे कैसे होता है। यहाँ पे आपको हम समझा देते हैं कि लॉजिकल नॉट होता क्या है स्टूडेंट। जैसे कि हम क्या करते हैं, दो वैल्यू को लेते हैं, ठीक है, जैसे हम मैंने बोला आपको, या फिर आप 0 वैल्यू दोगे एंड, या फिर आप 1 वैल्यू दोगे स्टूडेंट। ठीक है, तो लॉजिकल नॉट में क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है, यदि आप कोई भी वैल्यू, जैसे मान लीजिए आपने क्या किया कि अगर आपने वैल्यू 0 दिया, नॉट में क्या होता है हमेशा कि अगर आपने वैल्यू 0 दिया तो वो क्या करेगा, एक्सेप्ट क्या करेगा, वो 1 को एक्सेप्ट करेगा, एंड अगर आपने 1 दिया तो क्या करेगा, जस्ट इसका उल्टा 0 करेगा, मिस उल्टा, मिस नथिंग जिसे हम कहते हैं, नॉट मतलब क्या, जो आप कह रहे हो वो चीज ना हो, कुछ और हो जाए। ओके सर, अगर हम कहते हैं दिस ऑपरेटर प्रोवाइड अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ द गिवन बाइनरी वैल्यू, मीन्स क्या होता है कि जब भी आप जो भी वैल्यू देते हो उसका कॉम्प्लीमेंट देता है। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, जो भी आप वैल्यू इंटर कर रहे हो उसका जस्ट उल्टा, अगर आपने 0 दिया तो 1 हो जाएगा, एंड 1 हुआ तो 0 हो जाएगा, इसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ओके स्टूडेंट, इसको अगर हम शो करते हैं, अगर टेबल की फॉर्म में अगर हम शो करें, तो मान लीजिए हमारा एक टेबल है, आपने यहां दिया कोई वैल्यू ए की, और इसका कॉम्प्लीमेंट को करेगा, ये कॉम्प्लीमेंट को इस तरह शो करता है, ये एक पावर बार इसे हम बोलते हैं इसे, और इसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। अगर आप ए की वैल्यू अगर आप 0 दे रहे हो तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, जस्ट इसका रिवर्स मीन्स अपोजिट हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर आप 1 दे रहे हो तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, मीन्स जो भी आप बाइनरी वैल्यू इनपुट करते हो उसका जस्ट ये क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको रिजल्ट आउटपुट के रूप में दिखाता है, ये आपका हो गया लॉजिकल नॉट। ठीक है स्टूडेंट, फिर अगर हम बात करते हैं लॉजिकल ऑर की, लॉजिकल ऑर क्या होता है कि जो भी आप बाइनरी वैल्यू में इनपुट करते हो उसको क्या करता है, एडिंग फॉर्म में उसे चेंज करता है। ओके स्टूडेंट, तो उसको भी हम टेबल के फॉर्मेट में आपको हम दिखा दे रहे हैं होता क्या है, चलिए इसको भी हम टेबल के फॉर्म में, मैंने कहा जो भी आप बाइनरी वैल्यू इनपुट कर रहे हो, ठीक है, तो उसको क्या करता है, उसे ऐड कर देता है। ठीक है, अगर हम ऐसी बात करते हैं, दिस ऑपरेटर्स रिजल्ट इज इन लॉजिकल एडिशन ऑफ द बाइनरी वैल्यू, मीन्स जो भी आप बाइनरी वैल्यू इनपुट कर रहे हो उसका क्या करता है, जो भी आप मतलब बाइनरी वैल्यू इनपुट करोगे 0 एंड 1 के फॉर्म में उसका एडिशन करके दिखाता है। जैसे मान ली मैंने दो नंबर लिया, मीन्स दो वैल्यू ले लिया 0 एंड 1, ठीक है, अब उसका उन दो वैल्यू क्या करेगा, एडिशन करेगा, जैसे टेबल में हम करके दिखाते हैं।
देखिए मान ली मैंने लिया ए एंड फिर लिया ओके, फिर हम ले रहे हैं बी और क्या करेगा ये ए प्लस बी करेगा ओके। तो अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए मैंने दिया यहाँ पे वैल्यू, कोई भी वैल्यू ले लिया, पहले हमने 0 दे दिया की वैल्यू एंड बी की वैल्यू भी हमने क्या किया 1 दे दिया, तो ऐड करने के बाद ये क्या आएगा 0 एंड 1 प्लस करेगा तो क्या आएगा आपका 1 आएगा। इस तरह अगर आप यहाँ पे अगर आप 1 दे रहे हो, आप यहाँ भी 1 दे रहे हो, तो अब आप कहोगे 1 प्लस 1, अगर मैथमेटिकल फॉर्म में करोगे तो ये क्या कहोगे, आप कहोगे 2 आएगा। लेकिन अगर हम बुलियन की अगर हम बात करते हैं, अगर आप 1 प्लस 1 करते हो तो आपका सिर्फ 1 आएगा ओके फ्रेंड। तो ये आपका परफॉर्म हो जाएगा ठीक है। तो आप जैसे भी जो भी बुलियन वैल्यू आप इनपुट करते हो, यहाँ पर आपने दिया 1 एंड 1, तो आपकी जो भी एडिंग होगी आपकी 1 हो जाएगी ठीक है। ये आपका लॉजिकल और हो गया एंड फिर लॉजिकल एंड की आपने लॉजिकल आप और देखा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा लॉजिकल आर होता क्या है ओके स्टूडेंट। जैसे अभी मैंने लॉजिकल नॉट में बताया था कि आपका कॉम, एक बार मैं रिवाइज कर रहा हूँ ठीक है। लॉजिकल नॉट में क्या था कि आप जो भी आप वैल्यू इनपुट कर रहे थे उसका एक कॉम्प्लीमेंट फॉर्म मीन रिवर्स फॉर्म में आपको रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा था ओके। इसलिए आप लॉजिकल और में जो भी बाइनरी वैल्यू आप इनपुट करते हो तो उसका क्या करता है, उसका एडिशन फॉर्म में आपको शो करता है। एंड लॉजिकल एंड की बात करते हैं, तो लॉजिकल एंड क्या होता है कि ये जो आप भी जो भी वैल्यू आप इनपुट करते हो आप ओके, तो जो भी आप वैल्यू दे रहे हो उसे क्या करता है ये इन मीन्स मल्टीप्लाई के फॉर्म में वो इसे शो करता है। आपको हम दिखाते हैं टेबल बना करके, जो भी आपने लॉजिकल वैल्यू क्या करता है मल्टीपल फॉर्म में शो करता है। मीन्स जाए आप ए एंड बी की वैल्यू आप दे रहे हो बाइनरी फॉर्म में तो उसे मल्टीप्लाई करके शो करेगा ओके। चलिए हमने आपको टेबल बना कर दिखाते हैं। मान लीजिए ये इंटू इंटू का साइन है ठीक है, और फिर क्या करोगे आप इंटू बी। फिलहाल यहाँ पे ये डॉट लेता है ठीक है, मैं तो मल्टीप्लाई लगा दिया, यहाँ पे आपका डॉट लेता है ओके। चलिए लगा ही देते हैं, ये आपका डॉट हो गया, ए डॉट बी लेता है ठीक है। अब आप कोई भी वैल्यू आप इनपुट करो यहाँ पे ठीक, मान लीजिए सपोज मैंने कहा यहाँ पे 0 1 दिया, ये क्या करेगा 0 और 1 का इंटू करेगा क्या आएगा 0 ही आएगा आपका। आप चाहे 1 इंटू 1 करोगे तो क्या आएगा आपका 1 आएगा, जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो ओके स्टूडेंट। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि ये लॉजिकल नॉट क्या होता है, लॉजिकल और क्या होता है एंड लॉजिकल एंड क्या होता है ओके। मीन्स ये क्या करता है लॉजिकल नॉट आपका कॉम्प्लीमेंट प्रोवाइड करता है जो भी आप बाइनरी वैल्यू इनपुट करते हो। लॉजिकल और क्या कहता है, जो भी आप बाइनरी वैल्यू इनपुट करा रहे थे उसे उसका एडिशन करके दिखाता है। एंड एंड क्या करता है, आप जो भी बाइनरी वैल्यू इनपुट करते हो उसका मल्टीप्लिकेशन करके दिखाता है ओके स्टूडेंट। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं बुलियन एक्सप्रेशन की। अब बुलियन एक्सप्रेशन होते क्या है, तो चलते हैं अब हम इसे समझते हैं ये है क्या एंड फिर इसके बारे में हम बात करते हैं ओके स्टूडेंट। जैसे कि बुलियन एक्सप्रेशन की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट कि आप जो भी वैल्यू आप दे रहे हो बुलियन की ठीक है, तो उसे हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे। जैसे सपोज मान लिया अगर को अगर हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम कहते हैं कि इफ रेन्स एंड यू प्ले बॉल फुटबॉल, मीन्स कहने मतलब कि यदि इट रेन्स मीन्स कहने मतलब कि यदि बारिश भी हो रही है और आप क्या कर रहे हो फुटबॉल भी खेल रहे हो, मीन्स आपके क्या लॉजिक लग रहा है कि
मीन्स आप क्या कर रहे हो, बारिश भी हो रही है और आप क्या कर रहे हो, फुटबॉल भी खेल रहे हो। तो सपोज अगर मान लीजिए, अगर हम बात करते हैं कि ठीक है, तो मैंने बताया आपको कि इट रेन्स एंड यू प्ले फुटबॉल, मीन्स बारिश भी हो रही है और आप फुटबॉल भी खेल रहे हो। तो कहने का मतलब, जैसे मैंने अभी कहा कि आपने मान लीजिए कि बारिश हो रही है, एक्स ले लिया, वेरिएबल वैल्यू ले लिया, एंड फिर मैंने लगाया एंड, और फिर क्या हो रहा है, फुटबॉल भी खेल रहे हो, वाई मैंने ले लिया, ठीक है, वेरिएबल ले लिया उसकी जगह पे। तो अब एक्स एंड वाई मीन्स, अगर यहाँ पे एंड का यूज हो रहा है, अब आप देखोगे लॉजिकल एंड कहाँ पे है, एंड है। इस लॉजिकल एंड का यूज क्या होता है, मल्टीप्लाई का होता है, मैंने आपको पहले ही बताया। तो इसको अगर आप बुलियन मीन्स, अगर बुलियन फॉर्म में लिखोगे तो इसे कैसे लिखोगे आप, यहाँ पे एक्स इंटू वाई, इसी तरह लिखोगे आप जो भी वैल्यू है एक्स एंड वाई, मीन्स कैसे इसे लिखना है हमें, एक्स इंटू वाई, यही आपका बुलियन एक्सप्रेशन है। अगर कोई भी वैल्यू आप इनपुट कर रहे हो या कोई भी अगर आपका क्वेश्चन सामने आता है, तो उसे हम बुलियन एक्सप्रेशन में कैसे हम राइट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा जो भी मैंने एग्जाम्पल दिया। अगर हम सपोज अनदर एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए कोई दूसरा लेते हैं, अगर हम मान लेते हैं, हम लेते हैं और की लेते हैं, ठीक है, अगर हम क्या कहेंगे, आदर यू रीड योर बुक और गो टू बेड, या तो आप बुक पढ़ोगे या तो आप अपने बेड पे चले जाओगे। ओके स्टूडेंट, मीन्स कहने का मतलब यह है कि आप दोनों में से एक काम करोगे, या तो आप पढ़ाई करोगे या तो फिर आप अपने बेड पे सोने चले जाओगे। तो मीन्स मैंने क्या कहा, यहाँ पे और का यूज मैंने किया है, मीन्स आप दो काम एक साथ नहीं कर रहे हो, अलग अलग करोगे, एक ही काम करोगे, या तो ये कर लोगे आप या तो ये कर लोगे। मीन्स या अगर आता है तो आप क्या करते हो, आयदर में लगाया, बीच में क्या बोला कि आयदर यू रीड बुक और गो टू बेड, और का यूज किया, तो मैंने बोला बुक के लिए एक और एक्सप्रेशन ले लिया, फिर से वेरिएबल लिया एक्स, फिर और लगाया यहाँ पे, फिर आप क्या करोगे, या तो बेड पे चले गए, यू गो टू बेड। ओके, तो जब मैंने यहाँ पे एक्स और वाई ले लिया, तो और क्या काम करता है इसका, क्या इसका लॉजिक होता है आपका, प्लस का, मैं एडिशन करना, ये क्या करेगा, एक्स प्लस वाई। ओके, इस तरह से हम बुलियन एक्स वैल्यू को हम एक्सप्रेस करते हैं। और अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट नॉट की, अगर हम बात करते हैं लास्ट वाले की, तो कैसे हम करेंगे, यू आर नॉट सेलेक्टेड बट यू प्ले क्रिकेट और फुटबॉल, मीन्स आप सेलेक्ट नहीं हो लेकिन आप फुटबॉल या फिर आप सॉरी या तो आप क्रिकेट या तो आप फुटबॉल खेल सकते हो, ठीक है। इसके लिए हम करेंगे जैसे हमने कहा नॉट, आप सेलेक्ट नहीं हो ना, इसलिए नॉट, फिर उसने ने कहा कि आप सेलेक्टेड नहीं हो, यू आर नॉट सेलेक्टेड बट यू प्ले फुटबॉल और क्रिकेट, ठीक है। तो आप और का यूज करोगे, मैंने कहा कि आप सेलेक्टेड नहीं हो बट यू आर प्ले क्रिकेट, तो यहां पे हम क्या करेंगे, नॉट एक्स मीन्स आप सेलेक्टेड नहीं हो बट मीन्स और, या तो एंड लगा देंगे हम यहां पर, और क्या करोगे आप, या तो आप क्रिकेट खेल सकते हो, ठीक है, एंड या तो फिर आप फुटबॉल खेल सकते हो, मीन्स ये क्रिकेट और फुटबॉल, मीन्स कोई जेड वैल्यू ले लिया, ठीक, ये मैंने ले लिया। अब आप इसके अकॉर्डिंग कैसे इसे एक्सप्रेस करोगे, मैंने बताया था आपको कि जो भी आपकी एक्स होती है ये क्या होता है आपका, कॉम्प्लीमेंट फॉर्म होता है, यहाँ पे आप इसे कॉम्प्लीमेंट में शो करोगे, आप अगर नहीं लगा दिया तो कॉम्प्लीमेंट के लिए मैंने बताया था आपको दो टाइप से आप इसे शो करते हैं, एक तो ये होता है आपका, या तो फिर आप इसे यहाँ पे आप कॉमा लगा दोगे आप, ठीक है, दोनों ही फॉर्म होता है, इसे हम कॉम्प्लीमेंट फॉर्म कहते हैं, ठीक। फिर उसके बाद मैंने कहा एंड, तो एंड के हम क्या करते हैं, हम इंटू लगा देते हैं एंड फिर वाई लिखते हैं, एंड और के लिए क्या करते हैं, हम प्लस लगाते हैं एंड ये जेड हो जाता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को कैसे समझ में आ गया होगा कि ये हम कैसे वर्क कर रहे हैं इस पे। ओके फ्रेंड, तो एक्स इंटू वाई प्लस जेड, इस तरह से हम बुलियन एक्सप्रेशन को हम शो करते हैं। ओके फ्रेंड, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि फ्रेमिंग बुलियन एक्सप्रेशन, फ्रेमिंग
मीन्स कैसे हम जो भी हमारी बुलियन एक्सप्रेशन होती है उसकी हम फ्रेमिंग कैसे करते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं, अब बुलियन एक्सप्रेशन कैन बी फॉर्म बाई यूजिंग बुलियन वेरिएबल्स बाइनरी वैल्यू क्वांटिटीज अलॉन्ग विथ लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और नॉट। मीन्स जो भी आपके फ्रेमिंग बुलियन एक्सप्रेशन होते हैं वो क्या करते हैं, आपके जितने भी लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं उन तीनों का यूज करके ही बनाया जाता है, ट्रेनिंग की जाती है। जैसे आपके बुलियन कौन कौन से होते हैं, नॉट और एंड, ये तीन होते हैं आपके, नॉट और एंड ये तीन होते हैं। इन तीनों ही ऑपरेटर का यूज करके एक आपका बुलियन एक्सप्रेशन बनाया जाता है और फिर उसकी हम फ्रेमिंग करते हैं। और फ्रेमिंग को भी हम वो भी दिखाएंगे, पहले तो हम देखते हैं कैसे हम उसका एक्सप्रेशन बनाते हैं इन तीनों लॉजिक गेट का यूज करके, मीन्स लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करके। ओके स्टूडेंट, जैसे अभी आपने यहाँ पे देखा ना, ये आपने ये देखा, ये क्या था कि हमें बुलियन एक्सप्रेशन बनाना है, तो सेम काम हम यहाँ भी तो कर रहे हैं कि हमें बुलियन एक्सप्रेशन कैसे बनाना है, वही चीज यहाँ पर भी है। ओके स्टूडेंट, मीन्स तीनों गेट का हम यूज, मीन्स तीनों लॉजिकल ऑपरेटर का यूज हम कर रहे हैं, तो उसी को इसी तरह फ्रेमिंग ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन दिया था फिर जाके हमने क्वेश्चन यहाँ पे किया था, अब हमें फ्रेमिंग मीन्स कैसे हम उस चीज को यहाँ पे शो कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, ये तो हम शो कर रहे हैं जो ये है, इसी को ही हम फ्रेमिंग बुलियन एक्सप्रेशन कहते हैं। मीन्स जिसमें हमें तीनों चीजों का यूज ये हो जाए। आप देखो अगर हम यहाँ पे क्या है, नॉट का भी यूज हो गया एंड आर का भी यूज हो गया एंड नॉट एंड का भी यूज हो गया, तीनों चीज यूज हो रहे हैं, तो इसे ही हम फ्रेमिंग बुलियन एक्सप्रेशन कहते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है एंड फ्रेमिंग बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है। बुलियन एक्सप्रेशन मीन्स अगर कोई भी वैल्यू आपको दिया हुआ, कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे कर रहा है किसी भी चीज का, तो उससे हम कैसे हम वैल्यू मीन्स बुलियन में लाएंगे, चेंज करेंगे। एंड फ्रेमिंग मीन्स इसी को जो ये फ्रेम फॉर्म में होता है जो भी है इस फॉर्म में, एंड मीन्स तीनों लॉजिक का यूज करता है, ऑपरेटर्स का यूज करता है, और उस तीनों ऑपरेटर्स का यूज करके जो भी आपकी बुलियन वैल्यू बनती है उसे हम बुलियन एक्सप्रेशन बनता है, उसे हम फ्रेमिंग बुलियन एक्सप्रेशन कहते हैं। ओके स्टूडेंट, फिर अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, एंड नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं है क्या, और फिर उसके बारे में हम बात करेंगे। अब नेक्स्ट स्टूडेंट है ड्राइंग ट्रुथ टेबल फॉर अ गिवन बुलियन एक्सप्रेशन। मान लीजिए अब हमें क्या कह रहा है, कोई भी बुलियन एक्सप्रेशन दिया हुआ है और उसका हम ट्रुथ टेबल कैसे हम बनाएंगे। तो चलिए अब हम ट्रुथ टेबल की बात करते हैं और हम कैसे बनाते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा कि कैसे हम क्रिएट करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो चलिए सपोज हम मान लीजिए सबसे पहले हम एक बुलियन एक्सप्रेशन लेते हैं और उसको हम जनरेट करते हैं। मान लीजिए हमने लिया एक पी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, चलते हैं हम यहाँ पे, अब लेते हैं हम एक बुलियन एक्सप्रेशन ले लेते हैं पहले, और मान लीजिए सपोज हम ले ले रहे हैं कोई भी आप लेना चाहते हो, सपोज मान लीजिए हम ले रहे हैं, हम लिया ए, ठीक है, एक वैल्यू लिया ए, फिर अपने आप कुछ भी ले लो, मान लीजिए हम ले ले रहे हैं ए डॉट बी प्लस ए ए डॉट बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट फिर प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे देखिए कैसे हम इसको बुलियन अलजेब्रा में बनाते हैं और इसके ट्रुथ टेबल कैसे हम क्रिएट करते हैं। ओके स्टूडेंट, आपकी कितनी वैल्यू है, एक दो, ए और बी वैल्यू है एंड फिर उसके बाद ये वैल्यू आपकी है। ओके, तो चलिए हम देखते हैं, मीन्स तीन ये हो जाएगा एंड दो वो, मीन्स फाइव आपके टेबल्स बनेंगे, आपके फाइव कॉलम।
आपने क्या किया, टेबल बनाया। ए बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट बी। ओके चलिए, बस इतना ही लेते हैं। पहले देखते हैं, पहले हम दो वेरिएबल लेंगे क्योंकि हमें दो वैल्यू लेनी है, इसलिए ए और बी ले लेंगे हम। फिर अब इस बूलियन एक्सप्रेशन को देंगे, पहले ए डॉट बी है, यहाँ में ए डॉट बी, फिर हमारा ए कॉम्प्लीमेंट है, फिर हमारा क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट है। ओके ये आएगा, एंड फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, इन तीनों को हम ऐड करके लिख सकते हैं। यहाँ पे आप लिखना चाहते हो आप, तो यहाँ पे आप ऐड करके लिख सकते हो, जैसे ही बनाना हुआ बना सकते हो। क्वेश्चन क्या था हमारा, ए डॉट बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। चलिए अब हम पहली वैल्यू क्या लेते हैं, 0 0। तो अब हमारा ए डॉट बी क्या हो जाएगा, मीन्स इंटू है ये, ए इंटू बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके ए का कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा हो जाना, अगर 0 है तो 1 हो जाएगा। इसका बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि अगर 0 है तो 1 हो जाना। अब हम यहाँ बात करें, तीनों वैल्यू रखेंगे, ए बी है 0, फिर कॉम्प्लीमेंट ए, फिर कॉम्प्लीमेंट बी है, तो अगर इन तीनों को ऐड करें कितना आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा। ओके फिर अब हम बात करते हैं, यहाँ पे हम 1 ले लेते हैं, इसे हम 0 कर देते हैं। अब क्या करेंगे हम, ए इंटू बी करेंगे, 1 एंड 0 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 0 आएगा आपका। इसे अगर हम ए का कॉम्प्लीमेंट, जैसे अब आ गया ए कॉम्प्लीमेंट ए का 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बी का कॉम्प्लीमेंट कितना है, बी है 0 है, तो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इन तीनों को हम ऐड कर देंगे कितना आएगा हमारा, 0 0 1 को, तो कितना आएगा हमारा, 1 आ जाएगा। इसी तरह आप यहाँ पे 0 एंड 1 ले लो आप, फिर आप इसे करोगे, आप इसका मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 0 आएगा। फिर कॉम्प्लीमेंट है ए का, ये 0 है तो यहाँ पे क्या, 1 हो जाएगा। यहाँ पे 1 है, बी का कॉम्प्लीमेंट 1 है, तो 0 हो जाएगा। फिर अगर तीनों का ऐड करेंगे कितना आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा। ओके फिर इंग्लिश क्लास है हमारा, अब देखिएगा, अब हमारा ये ऑलरेडी हो चुका 0 0 1 0 0 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों में 1 ले लेंगे। ओके 1 1 अब करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे कितना आएगा, 0 आएगा। इसका बी का कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा, 0 आ जाएगा। फिर अगर हम पूरे को ऐड करेंगे ये तीनों को, 0 0 एंड 1 को, कितना आएगा हमारा, 1 आएगा। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, टेबल को हम जनरेट करते हैं, ट्रुथ टेबल। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे, अगर कोई भी बुलियन एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो किस तरह से हम ट्रुथ टेबल को हम जनरेट करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर एंड नेक्स्ट स्लाइड की ओर। एंड नेक्स्ट टॉपिक है आपका बुलियन पोस्टुलेट्स एंड लॉज, मीन्स ये होते क्या है। जैसे स्टूडेंट आप मैथमेटिकल ऑफ मैथमेटिक्स में आपने देखा होगा कि सेम आप लॉ देखे होंगे, बट आपका वो मैथमेटिकल होता था, अब यहाँ पे आपका लॉजिक है, मीन्स बुलियन वैल्यू पे है, मीन्स 0 एंड 1 के फॉर्म में लॉजिकल वैल्यू का यूज करके। सेम लॉज आपका यहाँ पे भी लगेगा जैसे आपको वहां पे लगता था मैथ में, आपने लोगों ने देखा था, तो पोस्टुलेट लॉ भी देखा था आपने हमने, तो सेम आपका यहाँ पे भी है। यहाँ पे क्या है, बुलियन का है जिसमें हम यूज कर रहे हैं। जैसे पहला आपका प्रॉपर्टीज है आपका 0 एंड 1, अगर हम 0 एंड 1 की प्रॉपर्टीज से अगर हम जाते हैं, फर्स्ट आपकी लॉ है, जिसमें हम लॉ में क्या करते हैं, अगर हम कोई वैल्यू ले लिया, कोई 1 वैल्यू लिया, उसमें अगर हम 0 ऐड करेंगे, ए की वैल्यू अगर हम ले लिए, ए में 0 ऐड करेंगे कितना आएगा, सेम वैल्यू आ गई जो वैल्यू हम लेंगे। ठीक है, अगर हम ए में, अगर मान लीजिए यहाँ पे 1 लिया, 1 प्लस 0 कितना आएगा, 1 ही आ जाएगा, एंड यहाँ पे 1 लिया तो 1 इंटू 1 कितना आएगा, 1 आ जाएगा। ओके फिर अगर हम 0 लेते हैं, 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 0, मतलब सेम आ रहा है ना, अगर हम यहाँ पे 0 इंटू 1 लेंगे तो क्या आएगा हमारा, 0 ही आ जाएगा। ओके फ्रेंड, तो
आपको समझ में आ गया ये रूल है होता क्या है। ओके, तो इसी का जस्ट आपका टेबल बना हुआ है, इस टेबल के थ्रू कैसे बताया जा रहा है, जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया था, जो मैं वहां बता रहा था अभी। अगर हम ए की वैल्यू 0 ले रहे हैं, 1 तो 1 ही हमारा है, तो अगर इन दोनों को हम ए प्लस 1 कर रहे हैं, मीन 0 प्लस 1 करेंगे, इतना आएगा हमारा 1 आ जाएगा। तीसरा, अगर हम ए की वैल्यू 1 ले रहे हैं, 1 तो हमारा ऑलरेडी है, तो 1 प्लस 1 मतलब ए ये 1 प्लस 1 ऐड करेंगे, कितना आएगा हमारा 1 आएगा, क्योंकि ए की वैल्यू 1 है और 1 प्लस 1 है ही ऑलरेडी, तो 1 और 1 ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा। फिर अगर हम इसमें आके बात करते हैं, ठीक है, तो अगर हम इसमें ए की वैल्यू 0 ले रहे हैं, 0 तो है ही हमारा, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 0 एंड 0 मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। इसका एक वैल्यू 1 है, 0 है ही है, अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 0 एंड 1 का क्या आएगा, 0 ही आता है। सेम आप यहाँ पे प्रोसेसिंग देख सकते हो, अगर हम 0 में प्लस करेंगे क्या आएगा, 0 प्लस 0 करेंगे 0 आ जाएगा, 1 प्लस 0 करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। इसे अगर हम 1 में मल्टीप्लाई भी करते हैं, 0 एंड 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, 1 एंड 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को इस प्रॉपर्टीज को समझ में आ गया होगा, ये प्रॉपर्टीज होता क्या है। ओके स्टूडेंट, फिर अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट हमारा देखते हैं प्रॉपर्टीज है क्या, और नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है हमारी कॉम्प्लीमेंट्रीज लॉ। कॉम्प्लीमेंट्रीज लॉ क्या होता है, मैंने आपको बताया था स्टूडेंट, की कॉम्प्लीमेंट होता है क्या आपका, मीन्स जो भी आपने वैल्यू दिया हुआ है उसका जस्ट रिवर्स फॉर्म कर देता है, ठीक है। तो उसको भी आपको बताया गया है यहाँ पर कि कैसे है, ठीक है। जैसे कि मैंने इसे कहा, अगर कोई वैल्यू ले लिया ए एंड उसका हम अगर कॉम्प्लीमेंट करके उसको हम ऐड करते हैं, तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। चलिए हम करके आपको दिखा भी देते हैं। अगर हम एक वैल्यू लेते हैं 0, अगर 0 का कॉम्प्लीमेंट करेंगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 0 और 1 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। आएगा ना कि नहीं आएगा, अगर आप यहाँ पर रख रहे हो 0 ले रहे हो आप यहाँ पे, और यहाँ पे क्या इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 0 और 1 को ऐड करेंगे कितना आएगा, 1 ही तो आएगा ना। अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम 0 ले रहे हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट 1 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 0 ही आएगा ना। तो यही फॉर्मूला लगा हुआ है आपका, और वही चीज आपको यहाँ पे टेबल में भी शो है, आप यहाँ देख सकते हो। अगर एक वैल्यू 0 ले रहे हो, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 0 और 1 को 2 है, 1 आ जाएगा। इसका एक वैल्यू अगर 1 ले रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और दोनों 1 और 0 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। या सेकंड टेबल की अगर हम बात करते हैं, अगर एक वैल्यू 0 ले रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 0 एंड 1 को, 0 हो जाएगा। इस तरह 1 एंड 0 फिर 0, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री लॉ समझ में आ गया होगा कैसे होता है। और फिर हम नेक्स्ट लॉ की बात करते हैं। ओके स्टूडेंट, मीन्स दिस लॉ स्टेट्स दैट व्हेन अ वेरिएबल्स इज अ आइदर एडेड और मल्टीप्लाइड विथ सेम वेरिएबल्स विल रिजल्ट इन द सेम वेरिएबल्स। मीन्स जो भी आप मल्टीप्लाई करते हो या फिर ऐड करते हो, आपका रिजल्ट क्या होता है इसमें, मीन्स एडम्पोटेंट लॉ में क्या होता है कि जो भी आप मल्टीप्लाई करते हो या ऐड करते हो, आपका रिजल्ट क्या आता है, सेम आता है। कहने का मतलब ये है, मीन्स आप क्या कर रहे हो, अगर 1 प्लस 1 करोगे क्या होगा, 1 ही आएगा ना। 0 प्लस 0 करोगे क्या आएगा, वैल्यू 0 ही तो आएगी, ठीक है। क्या मतलब ये है कि इसमें क्या होता है कि अगर जो भी चीज होती है सेम होती है, तो उसका रिजल्ट सेम आता है। अगर मल्टीप्लाई करते हैं, अगर सपोज मान लीजिए 0 एंड 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 0 आएगा। 0 एंड 0 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 0 आएगा। अगर हम वैल्यू ए की वैल्यू 1 ले लेते हैं, 1 इंटू 1 करेंगे क्या आएगा, 1 ही आएगा। सेम प्रोसेसिंग यहाँ पर, यहाँ पे देख लीजिए, ए की वैल्यू 0 रखा, ए की वैल्यू आपको क्या 0 थी, इसमें 0 प्लस 0 हो गया, फिर 1 ले लिया, ये 1 अगर लिया तो यहाँ भी सेम ही तो रहेगी। एक ही बार अगर जो चीज लेंगे तो वही तो रहेगी, कि इसका चेंज कर देंगे यहाँ पर। अगर एक ही वैल्यू मैंने 1 डिसाइड कर दिया, तो क्या यहाँ पे 0 ले लेंगे क्या, 1 ही तो आएगा ना। अगर हमने यहाँ पे 0 ले लिया, तो यहाँ पे क्या 0 ही तो आएगा ना, ठीक। तो अगर हमने यहाँ 1 लिया, तो यहाँ पे भी 1 होगा, कि वैल्यू तो एक ही वेरिएबल के ले रहे हैं, तो सेम ही रहेगी, तो वही चीज यहाँ पे सेम है। ओके, तो समझाएं, बोलने का मतलब यही है कि जो भी अगर आप एक वैल्यू ले रहे हो, तो सेम प्रोसेसिंग होगी। मीन्स अगर इसमें क्या होता है कि आप जो भी वैल्यू ले रहे हो, उसका रिजल्ट सेम आता है। ओके, फिर अब हम चलते हैं नेक्स्ट में। अब देखिए यहां पे, इसमें अगर आप देखोगे आप, इसमें क्या होता है आपका इन्वोल्यूशन लॉ। इसमें क्या होता है कि जो भी आपकी कॉम्प्लीमेंट वैल्यू होती है, उसका कॉम्प्लीमेंट होता है। मीन्स जो भी आप वैल्यू इनपुट कर रहे हो कॉम्प्लीमेंट वैल्यू,
मीन्स जो भी वेरिएबल आप इसको कर रहे हो तो वो कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट कर देता है, मीन्स वैल्यू आपकी सेम आ जाती है। अगर आपने जीरो दिया तो जीरो का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वन होगा, एंड फिर वन का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मीन्स आपने कोई भी वैल्यू इनपुट की तो आपको रिजल्ट भी वही मिलेगा, सेम वैल्यू। जैसे हमने क्या किया, जीरो लिया, फिर इसका कॉम्प्लीमेंट कर दिया वन, फिर इस वन का भी कॉम्प्लीमेंट कर देगा, तो आपकी वैल्यू सेम आ जाएगी ना। अगर बार बार कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या होगा, चेंजेस होते चले जाएंगे, तो सेम चीज यहाँ पर भी है। इधर वन लिया तो ये क्या कर रहा है, जीरो कर दिया तो कॉम्प्लीमेंट, फिर जीरो का कॉम्प्लीमेंट किया तो क्या हो गया, वन आ गया। मीन्स जो आपका यहाँ पे ले रहे हो, जो भी वैल्यू ले रहे हो, उसका रिजल्ट भी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है इस लॉ में। ठीक है, फिर अब हम बात करते हैं कम्यूटेटिव लॉ की। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है आपका, कि इसमें जो है, जो भी हम वैल्यू लेते हैं, ठीक है, जैसे मैंने कहा कि आप चाहे जैसे भी इसमें वैल्यू आपको ऐड करो या मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट आपका क्या आना है, सेम आना है। अगर हम 2 + 3 कर रहे हैं तो क्या आएगा, 5 आएगा, एंड 3 + 2 करेंगे तो क्या कुछ और आएगा, क्या 5 ही आएगा ना। तो सेम वैल्यू यहाँ पे सेम है चीजें। अगर हम a+b करें या फिर b+a करें, वैल्यू हमारी दोनों इक्वल रहेगी। हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, a * b करें या फिर b * a करें, तो रिजल्ट हमारा क्या होगा, सेम आएगा। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपका टेबल भी बना हुआ है, आप यहाँ देख सकते हो। 0 + 0 की, अगर 0 0 दो वैल्यू ले लिया ए और बी की, दोनों को ऐड किया 0 आया, ए की वैल्यू 1 लिया, 0 लिया, यहाँ पे क्या किया, 1 आया। तो आप यहाँ दोनों कंपैरिजन करा सकते हो। देखिए सेम वैल्यू यहाँ ए बी की दिया है, यहाँ पे दिया हुआ है, रिजल्ट a+b कर रहे हैं दोनों को सेम वैल्यू, एंड b+a कर रहे तो सेम रिजल्ट। ओके स्टूडेंट, इस तरह आपका इंटू में होता है, आपको सेम चीज प्रोसेसिंग है, आप जैसे भी कर जाते हो वो भी आपका सेम आएगा। ओके स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को ये कम्यूटेटिव लॉ अभी समझ में आ गया होगा। फिर अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, एंड नेक्स्ट स्लाइड आपका है, आपका नेक्स्ट टॉपिक है नेक्स्ट स्लाइड का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये क्या होता है आपका, 2 टाइप्स का होता है। इसमें क्या होता है कि जो भी हम वैल्यू देते हैं, ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूट मीन्स मतलब जो भी वैल्यू होती है वो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मीन्स डिवाइड हो जाता है। अब वो कैसे होता है, उसका एक लॉजिक होता है, और वो आपके सामने ये लॉजिक लगा हुआ है सामने। फर्स्ट अगर हम बात करते हैं, ए एंड ब्रैकेट में b+c दिया, तो आप मैथमेटिकल परफॉर्मेंस करते हो ना, कि अगर ब्रैकेट के बाहर क्या होता है, अगर कोई भी चीज इंटू में होता है, अगर ब्रैकेट ओपन करते हैं तो क्या होता है, वो दोनों चीजों में मल्टीप्लाई हो जाता है, मीन्स दोनों वैल्यू में हम मल्टीप्लाई हो जाते हैं दोनों वेरिएबल में। तो अगर हम इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या होगा, a * b हो जाएगा प्लस a * c हो जाएगा, सेम प्रोसेस यहाँ पे है। और उसका भी ये ट्रुथ टेबल बना हुआ है जैसे मैंने आपको बताया था। ओके, तो जैसे मैंने क्या कहा, अगर आप पहले यहाँ 3 वैल्यू लेते हो a b c, एंड फिर क्या करना है, जो भी हमें परफॉर्मेंस करना है, अगर ए लेना है, bc निकालना है अलग है, फिर इन दोनों का अलग निकालना है। ठीक है, जैसे क्या किया, ए का ऑलरेडी दिया हुआ है, फिर हमें bc का निकालना, bc निकाला, फिर इसका रिजल्ट ले लेंगे, ये a b c, a + b + c, सॉरी ये जो भी है। फिर उसके बाद इधर देखेंगे ab है, ab लिया वैल्यू अलग, फिर ac की वैल्यू अलग निकाला, फिर ab + ac निकाल दिया। ओके, क्योंकि यहाँ पे ab + ac है ना, इसलिए वहां पे ab + ac ले लिया। ओके, तो अब इसी तरह यहाँ पे इसको सॉल्व किया गया अलग अलग। तो आपको इसी तरह आपको हर एक चीज जो भी टेबल होती है आप इसके अपने अकॉर्डिंग करोगे आप इसे। ओके स्टूडेंट, मीन्स जो भी ये बन रहा है आपका, जैसे मैंने पहले तो आप वेरिएबल देखो पहले कि आप कितने वेरिएबल यूज कर रहे हो। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे हम यहाँ पे अगर हम इसमें आते हैं, आपका तो ए ऑलरेडी दिया है, bc बचा, तो आपको bc ले लोगे b+c। फिर अब हमारा ये और ये निकला है, तो हमें क्या करना है, ये पूरा निकालना है, हमने उसको लिख दिया है यहाँ पर। फिर अगर हम फिर नेक्स्ट नेक्स्ट की ओर बात करेंगे, a. b है, तो हमारा a. b कहीं दिया था क्या यहाँ तक, नहीं दिया था, तो इसको हम a. b निकालेंगे। फिर ac की बात करेंगे, यहाँ पे ac कहीं दिया था, नहीं दिया था, ac निकाल लेंगे। फिर दोनों का आप क्या है हमारा, इन दोनों को प्लस करना है, तो हमने यहाँ क्या किया, दोनों प्लस कर दिया। ये है लॉजिक। अब यहाँ पे हम वैल्यू क्या करें, मैंने पहले बताया था, पहले सबसे पहले आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे भी आपको वैल्यू रखना रख सकते हो। हम हमेशा क्या करते हैं, पहले हम 0 से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, और लॉजिक भी यही होता है कि पहले आप 0 से स्टार्ट करो। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करें, 0 0 0 तीनों की वैल्यू लेंगे एंड सॉल्व करेंगे। अगर b+c निकालेंगे तो b की वैल्यू क्या है, 0 है, c की वैल्यू क्या है, 0 है। अगर दोनों को ऐड करेंगे 0 0, तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा 0 आ गया, और यहाँ पे क्या, a b + c की वैल्यू कितनी, 0, a की वैल्यू कितनी है, 0। अगर इन दोनों का हम ये मल्टीप्लाई में ना मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा हमारा, 0 आएगा। क्लियर, फिर अगर हम बात करते हैं अब ab की, a और b कितनी वैल्यू है, 0 0 है, आप यहाँ देख सकते हो a और b की वैल्यू कितनी है, 0 है। अगर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा हमारा, 0 आएगा, तो यहाँ पे 0 हो गया। फिर नेक्स्ट हमारा क्या, ac है। अब हम आते हैं यहाँ पर, a एंड c सब कुछ इसी से कनेक्ट है, इन तीनों वेरिएबल से ही कनेक्ट है आपका। a एंड c, a भी है 0, c भी 0 है, अगर दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा हमारा, 0 आएगा। फिर अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, ab + ac हमें निकालना है। अब आप देखो यहाँ पे ab कितना है, 0, ac कितना है आपका, 0। अगर हम दोनों को प्लस करें कितना आएगा हमारा, 0। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इस नेक्स्ट लाइन की अगर हम बात करते हैं, फिर अब हम क्या करेंगे, अगर हम फर्स्ट में 0 लेते हैं,
तो सेकंड में क्या करते हैं, किसी एक को वन कर देंगे, बाकी दो को जीरो कर देंगे। इस थर्ड में फिर जो भी वन किए हैं उसको हटा करके किसी और को वन करेंगे, बाकी उसको जीरो कर लेंगे। सेम प्रॉब्लम होती है, फिर लास्ट में आप वन वन कर लो इससे। जैसे आप मैंने क्या किया, यहाँ पे ए और को जीरो लिया, बी को जीरो लिया, सी को क्या किया, वन कर दिया। ओके, अब हम चलते हैं बी प्लस सी निकालते हैं। बी हमारा कितना है, जीरो है, सी कितना है हमारा, वन है। अगर इन दोनों को हम ऐड करें कितना आएगा हमारा, वन आ जाएगा। अब हमारा है ए बी प्लस सी है ब्रैकेट में, बी प्लस सी आपने निकाल लिया, वन हो गया। ए की वैल्यू कितनी थी, जीरो थी। अगर हम इन दोनों की बात करेंगे कितना हो जाएगा हमारा, वैल्यू कितनी आएगी हमारी, देखो आप, जीरो। ये तो आएगा ना हमारा, कुछ और आएगा डिफरेंट, कुछ तो और आएगा नहीं। फिर इसी तरह हम बात करते हैं नेक्स्ट, अगर ए बी की बात करेंगे हम यहाँ पर, ए की वैल्यू कितनी है, जीरो, बी की वैल्यू कितनी है, जीरो। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ए और बी की वैल्यू जीरो लेंगे कितना आएगा हमारा, जीरो ही तो आएगा। हाँ चलिए, आपको पेंसिल यूज कर लें, पेंसिल यहाँ दिखाता नहीं है ना, फिर से हम इसको यूज कर लेना है। ओके, ये तो हम यहाँ पे थे। अब हमने बात किया यहाँ पे ए बी की बात कर रहे थे हम, तो ए बी की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, ए कितना है हमारा है, जीरो है। बी की वैल्यू कितनी है, वन है। अगर दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, सॉरी, हाँ, ए की वैल्यू जीरो है, बी की वैल्यू वन है। अगर दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे जीरो और वन कितना, जीरो आ जाएगा। इस एसी की अगर हम बात करते हैं तो ए कितनी वैल्यू, जीरो है। बी सी की वैल्यू कितनी है, जीरो। जीरो और जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा हमारा, जीरो। फिर इन दोनों को हम ऐड करेंगे, जीरो प्लस जीरो कितना हो जाएगा, जीरो। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर होगा। आप इसका बाकी सब लॉजिक लगा सकते हो, आप जैसे भी ये सब है वन बाई वन वैल्यू रखिए और उसको सॉल्व करते चले जाइए, तो ये आपका हो जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था। एंड अब इसके हम सेकेंड पार्ट की अगर हम बात करते हैं, तो सेकेंड पार्ट की अगर हम बात करेंगे तो सेकेंड में एक पार्ट में क्या होता है, चलिए हम उसको देखते हैं। सेकेंड पार्ट है क्या हमारा, ये देखिए सेकेंड पार्ट है क्या हमारा। फिर आपका सेकेंड पार्ट में क्या है, ए प्लस बी सी, ये आपकी जो भी है, जो भी आपके लॉ, ये क्या एक तरह फॉर्मूले हैं। इसी फॉर्मूले को हमें फॉलो करना है ट्रूथ टेबल में, इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे ए प्लस बी सी, अगर आपको वैल्यू ये जहां भी आता है बुलियन अलजेब्रा में, तो आप इसी फॉर्मूले का यूज करोगे। अगर ए प्लस बी सी है तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कि ए जो है दोनों में डिवाइड हो जाएगा प्लस के रूप में और इनटू हो जाएगा। जैसे आप देखो यहाँ पे ए क्या है, बी के साथ प्लस में आया, फिर इनटू, और ए क्या है, सी के साथ प्लस में, सॉरी बी, यहाँ पे मैंने कुछ गलत लिख दिया है, आपका यहाँ पे ए सी रहेगा। ओके, इसको हम सही कर दे रहे हैं। ओके फ्रेंड, तो ये आपका रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था कि आपका ए जो है दोनों के साथ आएगा, बट बीच में क्या होगा, आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप यहाँ देखो, मैंने वहां गलत किया था, लेकिन यहाँ मैंने क्या किया, सही किया हुआ है, ये आप देख सकते हो। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, सिर्फ सेम चीज, पहले हम देखेंगे कितनी वैल्यू है या कितने वेरिएबल यूज किए जा रहे हैं। ए बी सी, तीन वेरिएबल ए बी सी। अब हमारा लॉजिक क्या है, क्या करना है पहले, तो हमारा तो ए दिया हुआ है, बी सी नहीं दिया, तो हम क्या करेंगे, बी सी निकाल लेंगे, फिर इन दोनों को कैलकुलेट कर लेंगे। हो गया। फिर अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट में हमारा ए प्लस बी कहीं हुआ है क्या, नहीं हुआ है, तो ए प्लस बी को भी हम यहाँ लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट में हम बात करते हैं, ए सी हमारा कहीं काउंट है क्या, है क्या यहाँ पे, नहीं है ना, तो ए सी निकालेंगे हम। फिर हम दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके वहां लास्ट में लिख लेंगे, सेम चीज है। तो अब यहाँ पे हम वैल्यू रख लेंगे जैसे हम रखते हैं, और फिर उसमें हम क्या करेंगे, काउंट करते हुए चले जाएंगे। आप चाहे यहाँ पे करके देख सकते हो, आप ए लिया, जी बी जीरो लिया, हमें बी सी निकालना है, जीरो एंड जीरो। तो क्या हो गया हमारा, जीरो और जीरो कितना हो गया हमारा, अगर हम जीरो जीरो की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, जीरो ही तो आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो। अब इस जीरो में और इसमें इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा हमारा, जीरो, और बी सी हमारा जीरो है, दोनों को ऐड करना है तो जीरो ही आ जाएगा हमारा। फिर अगर हम ए प्लस बी करते हैं, ए की वैल्यू कितनी है, जीरो, एंड बी की वैल्यू कितनी है, जीरो, हमारा कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ए सी की बात करते हैं, ए कितनी है, जीरो, सी कितनी है, जीरो, ऐड करें कितना है, जीरो आएगा। अब दोनों का मल्टीप्लाई करें कितना आएगा हमारा, जीरो आ जाएगा। इसी तरह आप अनदर भी, आप दूसरा भी देख सकते हो, आप हर एक टेबल को देखोगे तो ऑटोमेटिकली आपका ट्रुथ टेबल आपका बन जाएगा। मीन्स अगर कोई भी आपका बुलियन अलजेब्रा दिया हुआ है तो उसका ट्रुथ टेबल हम इसी तरह बनाते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका ये सिक्स आपके लॉ थे। एंड इसके बाद हम नेक्स्ट आगे देखते हैं टॉपिक, हमारा नेक्स्ट क्या है, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं इसके लिए, और फिर नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं क्या। तो स्टूडेंट्स, आपके ये जो सिक्स लॉ थे, आपका सेवन्थ लॉ भी है, उसको मैं आपको नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।
नेक्स्ट लेक्चर से आपको मैं उसको समझाऊंगा सेवंथ लॉ क्या है। तो आई होप आप लोगों को ये जो भी सिक्स लॉस हैं आपको अभी तक के जो आपको ये समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको एक बार फिर से रिमाइंड कर लीजिएगा वीडियो को, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप अपने से एक मोर एग्जांपल लीजिएगा एंड मोर आपको जो भी एक्सप्रेशन है आप अपने से क्रिएट करिएगा और उस पर ट्रूथ टेबल्स आप बनाइएगा, तो आपको ज्यादा ही क्लियरिटी होगी। तो स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो लेक्चर के लिए। आपका ये फर्स्ट वीडियो लेक्चर था इस चैप्टर का, आपके चैप्टर सिक्स का, बिलियन अलजेब्रा का। एंड हम फिर आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में एंड न्यू टॉपिक के साथ और इस चैप्टर के सेकंड लेक्चर पर। ओके स्टूडेंट, थैंक यू आज के लिए और हम मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर। ओके स्टूडेंट।